हेलो एवरीवन, मैं हूँ एंकी मूंग टैटूज गोवा की ओनर। आज मैं आपको अपने टैटू स्टूडियो का टूर कराऊंगी। वैसे ही मेरा काउंटर है, मैं कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे। डिज़ाइन फाइनल कस्टमाइजेशन इस पे सब होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है मेरा मेन एंट्रेंस डोर, ये बाहर का साइड है। और ये जो ब्लू डोर दिख रहा है आपको, ये मैंने ही पेंट किया है, मैंने ही सब डेकोरेट किया है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है गणेश जी का। और ये वॉलपेपर देख सकते हैं आप, इसके पहले कुछ और था, ये रिसेंटली मैंने चेंज किया। अभी ये मुझे बहुत पसंद था, सो मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर लगाना था, बट मैंने ये साल लगवाया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ये वॉच। और ये सर्टिफिकेट है मैंने जहाँ से प्रोफेशनल टैटू कोर्स किया, दिल्ली से। और ये मेरा न्यूज़पेपर नवहिंद में फ़ोटो आया था। एक्चुअली मैं पेस्ट्री शेफ भी हूँ, इसकी पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे बाद में। और ये ब्लू कलर का सोफ़ा, एक्चुअली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे ब्लैक कलर पसंद है, मुझे ब्लैक लेना था बट मैंने ब्लू लिया क्योंकि वाइट के साथ ब्लू थीम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि वही करते। और ये सारे स्टेंसिल है जो भी आज तक मैंने टैटू बनाया है, मैंने यहाँ डेकोरेट करके रखा है। क्लाइंट्स को भी रेफरेंस के लिए अच्छा होता है और डेकोरेशन के लिए भी। ये मेरे कलर्स है, स्केचिंग बुक है और स्केच पेन, काफ़ी कुछ है। सो ये सब मैंने डेकोरेट किया अपने हाथ से। ये मेरा काउंटर है, मैंने आपको दिखाया था, प्रिंटर, लैपटॉप, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सामान नीचे रखा हुआ है जो भी होता है, टिश्यू एंड ऑल पैकेट्स और मेरी बुक्स वगैरह सब नीचे रखी है। ये हमारे बिल्लू मोग है, ओनर हमारे मोग टैटूज़ के। और ये मेरी चेयर, ये भी सब मैंने डेकोरेट किया है। एंड ये है मेरी इंक, कलरफुल सारी इंक्स है। ये ब्लैक वाली है, ब्लू सोप है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये मुझे राधा कृष्णा किसी ने इनाग्रेशन में गिफ्ट किया था, ये सब मैंने बनाई है पेंटिंग्स। और ये मेरा साइड स्टेशन है, एक्चुअली ये वुडन वाला है, काफ़ी हैवी है, तो मैं इसमें अभी सिर्फ नीडल्स और बाकी सामान जो भी है, ग्रिप टेप, ब्लू सोप, ये सब रखती हूँ। पहले मैं इसे यूज़ करती थी बट मुझे थोड़ा टफ हो रहा था इसे शिफ्ट करने में। अगर किसी का राइट साइड टैटू होता है, लेफ्ट साइड टैटू होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो मैंने अभी इसमें सामान रखा और मैंने न्यू वन बाई किया है। ये आप देख सकते हैं साइड में, ये टैटू बेड है और ये रिंग लाइट है। और मेरे पास दो आर्म रेस्ट, एक बड़ा है और एक छोटा है। सो अकॉर्डिंग टू टैटू मैं वो वैसा ही यूज़ करती हूँ जो भी मैं मुझे लगता है। ये है साइड स्टेशन जो मैंने न्यू लिया था अभी, और इसमें भी मैं काफ़ी सामान रखती हूँ। ये शिव जी की पेंटिंग है, मैंने सबसे पहले बनाई थी लास्ट ईयर, यही पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बहुत सारी कंप्लीट की, अपनी वॉल पर डेकोरेट किया है। और ये तो आप देख सकते हो कि मैंने सेवन चक्रा वाला ये लगाया है वॉल पे, इससे बहुत अच्छा लगता है स्टूडियो। ये यिंग यांग वाला लगाया है, ये मिरर है, ये मैं हूँ, और ये मैंने मुंह की पेंटिंग बनाई थी। सो ये मेरा स्टूडियो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।